ऐसे ही नाम ऊंचा कर रहा है। कंपटीशन उसको गंभीर किया है, बच्चों को पीछे करके आज नंबर वन बनी है, बहुत खुशी की बात है। और पर्सन के पकड़ने में ना कोई बात नहीं, आप चल रहे हैं इसे पकड़ लो तो पकड़ लो, कोई बात नहीं ऐसे पकड़ लो, हाँ पकड़ लो, अच्छा लगेगा। नाउ अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर आपका बच्चा देखिए आज सारे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, कितनी खुशी का पल है कि आपका बच्चा जो है इस समय और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है, ये एक रोल मॉडल है, इस समय ये मॉडल बनी हुई है जो दुनिया को मोटिवेट कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस समय प्लीज कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए। अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा कुछ सब बताइए कुछ अपनी बेटी के लिए। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी उम्र में ये छोटी उम्र में बच्चा फर्स्ट आया है, और इससे अच्छी बात क्या है, और सबसे बड़ी बात है, छोटी की बात नहीं, बात है कि एक इंसान में कितना जुनून है, एक बच्चा है चाहे बड़ा है कोई भी है, बट एक काम को लेकर कितना पागलपन है, कितना उसमें एक हंगर है। और मैं हमेशा से एक बात बोलता ही हूँ कि आपको रोकने वाला केवल एक ही इंसान है, वो है आप खुद, और कोई भी नहीं है दुनिया में। वो ये बच्चा अपने आप से परफॉर्म कर रहा है और साथ में मदर का सपोर्ट तो है ही। अब मैं चाहूंगा कि फादर भी कुछ को बेटा क्राउन देना, क्राउन ही नहीं है, आप बैठे रहिए। अब मैं चाहूंगा कि फादर खड़े हो जाए और फादर अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह, आज वो सच में एक राजकुमारी है और एक इंडिया को क्या पूरे संसार को मोटिवेट कर रही है, उसको क्राउन पहना के सम्मानित करें। ताली बजाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम पहाड़ों को चीरोगी और आसमान को छूओगी, आगे ऐसी बढ़ती रहोगी। अच्छा नाउ इज अ टर्न कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैम से पूछता हूँ कि मैम मदर का क्या सपोर्ट होता है बच्चे के लिए, थोड़ा सा आप बताइए, आप इतना एक्सपीरियंस है आपको, मैम का भी जानते कर लीजिए। सबसे ज़्यादा मदर का ही सपोर्ट होता है, तभी बच्चा कुछ बन पाता है, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि मदर का ही स्पॉट है तो बच्चा आज यहाँ पे खड़ा है। हाँ बिल्कुल, तो और ऐसे ही खड़ा रहे, आपका स्पॉट चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, बट थिंग इज दैट आप लोगों ने सच में एक कंट्रीब्यूशन किया है, इसीलिए बच्चा आया है, आप लोगों का सभी का है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं आप सबको दिखा दीजिए, जितने लोग हैं सबको दिखाइए, पूरे दुनिया देखना चाहिए। ये इनके बाबा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, और ये सब परिवार के लोग हैं इनके, तो सभी लोगों का सपोर्ट है और इसीलिए बच्चा सच में आगे बढ़ा है। और अब मैं चाहूँगा कि बच्चा भी अपने हाथों से अपनी मदर को सम्मानित करे। बताइए देना, तो मैं चाहूँगा बच्चा भी अपनी मदर को सम्मानित करे, और जिस तरीके से मदर ने एक बूस्ट दिया है, और सच में मैंने देखा भी है, मेरे कंपटीशन में काफ़ी पेरेंट्स थे, तो ये मदर का कुछ डेडिकेशन है ये बच्चे के लिए, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे है, और इसीलिए एक कारण है कि बच्चा एक आज एक रोल मॉडल बना हुआ है। तो बेटा मैं चाहूँगा कि आप अपनी मदर को अपने हाथों से सम्मानित करें, सबको सपोर्ट कर दीजिएगा। और नाउ इज द टाइम कि मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, सर की तरफ ले लीजिए, कि सर आप ये बताइए कि एक पिता है उसका किस तरीके सपोर्ट रहता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी जुबान पे कि पिता का एक बेटी के लिए क्या सपोर्ट रहता है। ये सपोर्ट तो ये रहते छोटे बच्चे को एक किस चीज की जरूरत है, उसकी जरूरतें पूरी की जाएंगी जितना वो कर सकता है, बच्ची को जैसे गाने लग जाए इनकी बातों से और इसकी डांसिंग स्किल से, कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और बच्चों के कंपेयर टू जो है,
उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे डांट डपटना वो करना इतना नहीं करना चाहिए। बच्चे की प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमने किया है, उसकी माँ ने और उसके पिताजी ने सपोर्ट किया है, आगे तो मैंने भी किया है। मुझे भी पता है छोटा बच्चा ज़्यादा डांटना डपटना वो नहीं है, कई बार हम परेशान भी हो जाते थे, लेकिन हमें ये भी मालूम होता था इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। सर ये बच्ची सच में आपके आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आपका क्या, आपके परिवार क्या, पूरे संसार का एक अलग ही नाम रोशन कर, मतलब इंडिया का, और मतलब सच में अमेजिंग बच्ची है। हमें कुछ फील हो गया था कि एक्स्ट्रा है बच्ची, हमने इसलिए इसे इनकरेज किया। हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं आप, और ये दादू हैं, ये भी सब ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी बताइए कि मतलब फादर का क्या सपोर्ट रहता है थोड़ा सा। फैमिली का सपोर्ट है बच्चे को, सारा फैमिली का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका भी सर मैंने देखा है कि सपोर्ट है ऑलरेडी, और अब मैं चाहूँगा कि बच्ची अपने हाथ से फादर को सम्मानित करे, क्योंकि फादर के लिए फादर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पिता एक बहुत बड़ा साया होता है जो उसकी सारी मुसीबतों को हल्का कर देता है, और बच्चा जो है वो परफॉर्म करता रहता है, और पिता जो है उसकी जो सारी मुसीबतें अपने सिर पर ले लेता है, और बच्चा की रिदम जो है वो बनी रहती है। तो आप ही दीजिए, मैं आप बैठ रही अब बच्चा मैं चाहूँगा अपने हाथ से जो है अपने पिता को सम्मानित करे, और उनका भी जो है एक सम्मान करे पापा को। तो बहुत अच्छी बात है, आज एक फादर है, उन्होंने जो भी किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को सपोर्ट किया है और बच्चे को एक से एक लेकर बूस्ट किया है, तो पिता का भी सच में एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन बनता ही है, और अच्छा। ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे पता है बहुत ही सीरियस पेरेंट्स हैं और हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाते ही रहेंगे, बच्चा एक से एक कदम एक से एक अचीवमेंट हासिल करेगा। वाओ है, हैप्पी बर्थडे, दे दे रहा हूँ, चलाओ। आम ना। ओके, यही लाइक दिखाओ, उधर देखा, एक चल रहा है। ओके। देखिए गणेश जी है तो शुरुआत इससे होगी कि ये शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है बच्चे के लिए, तो ये गणेश जी की गणपति बप्पा मोरिया सभी लोग बोलेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। अब देखो एक सिस्टर है, सिस्टर ये छोटी बच्ची है, सिस्टर भी इसको बहुत सपोर्ट करती होगी जो मुझे लगता है, और ऑब्वियसली ये भी इसको गाइड करती रहती होगी, छोटी सी बहन है इसकी, उसको डे बाय डे कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर बताती होगी, उसकी जो एक्टिविटी है उसमें कुछ ना कुछ वो एड ऑन करती होगी, लेस करती होगी, तो मैं चाहूँगा कि वो सिस्टर भी आज अपनी भी सिस्टर को मान। अच्छा नाउ इज द बिग टाइम, अब एक बहुत बड़ा टाइम है कि मेरे कंपटीशन में काफी बच्चे थे, कई लोग एक्चुअली बाद में फोन भी आए थे कि सर मुझे गिफ्ट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, बट दिस इज मैन को भी पता है, मैंने अटेंड किया था, दिस इज द प्रोग्राम की एक वर्कशॉप थी, उसमें सारे बच्चों को कुछ 2 घंटे में बूस्ट दिया गया था, वो उनके लिए लर्निंग था, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बट एक विनर है उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट रखा है, और दिस इज द बिग टाइम थी, बच्चा उसको देख के और इंकरेज होगा। देखिए बच्चा एक डांसर बनना चाहता है, बट वो इन चीज़ों को, जैसे मैंने कुछ गिफ्ट अपना ड्राइंग कम्पिटिशन का एक डूम्स की ब्रांडेड किट रखी है,
उसको देख के बच्चा जब बनाएगा तो उसके दिमाग में और रिफ्लेक्शन जाएगा, मतलब उसकी जो पावर है वो डबल होगी ट्रिपल होगी, ये मेरा कहना है। इसीलिए मैंने कुछ गिफ्ट स्पेसिफिकेशन में डिजाइन किया था, और अब मैं चाहूँगा कि वो पल की उस बच्चे को गिफ्ट किया जाए। बता दीजिए और अब वो टाइम है कि मैं बच्चे को बिग गिफ्ट दूँ और उसका कॉन्फिडेंस में 5 times के 100-200 times इंक्रीज करूँ। चलो बेटा इस समय देखेगा तो उसको देख के भी एक बहुत ही मेमोरेबल पल होगा और उसकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। खोलो खोलो, ये बच्चे का गिफ्ट, गिफ्ट नहीं बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए स्पीड बूस्टर है, और उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से बच्चा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस तो बढ़नी ही है, सारे पार्टिसिपेंट की मेरे बढ़ने वाली है, इस बच्चे की बढ़ेगी। और और अब मैं इनसे कुछ गुफ्तगु करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगा, कुछ इनसे भी चाहूँगा कि ये भी आज जो पल है एक पूरे संसार को कुछ मोटिवेट करें, और इनके बच्चे में कुछ इनके जो सीक्रेट्स हैं, जिस तरीके से नरिशमेंट करते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, वो संसार को भी बताएं, ताकि और बच्चे भी उस तरीके से आगे बढ़ें। और जिस तरीके से बच्चा कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि संसार में सभी बच्चे करें, इसे तो नॉट द थिंग कि ये विनर है, विनर का मतलब है कि मैं चाहता हूँ पूरे संसार के बच्चे विनर बने आगे जाके, ये मेरी एक पहल है। नाउ देखिए, बबच्चा बहुत छोटा है, 4 साल का है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, बेटे सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो घर आपको कैसा लग रहा है बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटे, कैसा कुछ थोड़ा बताओ कि ड्राइंग कम्पिटिशन में मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, कैसा लगा, कैसा मतलब थोड़ा बताओ। नहीं कि 4 साल का बच्चा है, वो जिस तरीके से भाई चलो अपना परफॉर्म कर रहा है, बोल रहा है अपना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। और सच में इसके लिए बहुत बड़ी एक, 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 एक। अच्छा अब मैं मैम से पूछता हूँ, क्योंकि मैम ने, मैंने शुरू से देखा था कि जब मेरे पार्टिसिपेंट काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया था ऑल ओवर द इंडिया से, तो मैम भी थी उसमें, उनकी फ्रेंड है वो, सिस्टर है, उन्होंने रजिस्टर कराया था, क्योंकि इनके बच्चे की प्रतिभा सभी लोग जानते हैं, तो सभी लोग इस तरीके से क्यूरियस रहते हैं, चाहे वो ताऊ हो, चाहे चाचा हो, या कोई भी मतलब इनके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सभी लोग जानते हैं बच्चे की प्रतिभा को, तो सभी लोग बच्चे को इनकरेज करते हैं, बच्चे को बढ़ावा देते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। तो मैम ने भी, मैंने देखा कितना मोटिवेशन था, कि जिस तरीके से लगी हुई थी अपना और पूरा सपोर्ट किया था, और थ्रू आउट द टाइम मतलब मैंने देखा था कि पूरा डेडिकेटेड तरीके से बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे को मतलब आगे बढ़ाना जिताना है, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ही है। मतलब सी इज़ नॉट द थिंकिंग कि मेरा बच्चा एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ठीक है, बट सी इज़ थिंकिंग कि मेरा बच्चा और अच्छी परफॉर्मेंस कैसे करे, उसके लिए इन्होंने और ज़्यादा मतलब मेहनत की, और आज वो मेहनत रन भी लाई है। तो मैडम के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरा। मैडम अब मैं देखिए आपसे पूछता हूँ कि आपने तो देखिए कितना ड्राइंग कॉम्पिटिशन को
उस तरीके से लिया है, देखिए सीरियस लिया है तभी शायद आपको आज आपका बच्चा एक रोल मॉडल है, आप भी रोल मॉडल हैं और सर भी रोल मॉडल बने हुए हैं। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको कैसा लगा थ्रू आउट द एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, और कैसे मैं और कुछ अच्छे तरीके से कर सकता हूँ इसको, थोड़ा सा मुझे इस तरह बताइए। और मेरा नाम जसप्रीत कौर है, आई एम ग्रेजुएट, और मैं दोनों बच्चों को पूरा घर पूरा पूरा दिन मैं घर पर देखती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं पूरा घर भी संभालती हूँ, बच्चों की स्टडी, उनका कैरियर, उनका टैलेंट किस तरह से आगे वो चल रहा है, हर चीज़ को मोटिवेट करती हूँ। अब मुझे पता था कि खुशी है, जैकलिन, इसका वे किस तरफ जा रहा है, इसका स्टडी की तरफ तो है ही है, उसके अलावा इसका अदर उस पर था डांस पर। तो हमारे घर में सब मेंबर ने देखा इस चीज़ के उसको ऐड करते हुए, तो मैंने इसको मोटिवेट किया और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इस तरह से कॉन्टैक्ट है, तो मैंने आपको ऐड में लिया और जैकलिन ने ज्वाइन किया। इसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, आज इस बलबूते पर आज 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 सब लोगों का सिर ऊंचा कर रही है। यस, और आगे भी सिर ऊंचा करेगी और आगे नाम रोशन करेगी पूरे खानदान का। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। और मैं कुछ फीडबैक देंगे ट्रैक कंपटीशन में कैसे मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। सर, मैं तो आपको ये कहूँगी कि आपने जो ये ऐप खोली है, जिस तरह से आप ये अपना ऐप चला रहे हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना करेज कर रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इस तरह से आगे भी और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ताकि बच्चे आपसे थोड़ा गाइडेंस लेते रहे, और आप भी हमको अच्छा गाइडेंस करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर यू। अच्छा, अब मैम आपसे पूछूंगा और सर आपसे पूछूंगा, दोनों से मेरा क्वेश्चन है। पहले मेरा मैम से है, देखिए बच्चे ने आज एक अलग मुकाम हासिल किया है, जो इंडिया के 22 पार्टिसिपेंट्स थे, साउथ से थे, हर जगह से, कोने कोने से बच्चे थे, सबको पीछे करते हुए नंबर वन बनी है। तो सच में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, कुछ आप एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूर करते होंगे जो मुझे लगता है, और कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ कि आप भी वो सीक्रेट्स हैं या वो जिस तरीके से करते हैं। आप अच्छा बैठ जाओ, थक कर दो, और आप प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उन लोगों को भी बताएं कि आप किस तरीके से बच्चे को कैसे सपोर्ट करते हैं और कैसे इस चीज़ का, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, और इसकी उसकी जो डेली रूटीन है उसमें आप कैसे जो है हर एक चीज़ को मतलब मैनेज करते हैं, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। और पहले मैम आप बताइए। मैं सब पेरेंट्स से यही बोल दूंगी कि अपने बच्चे के टैलेंट को कभी छुपाना नहीं चाहिए, हमेशा उसको आगे बाहर निकालें कि हमारा बच्चा किस वे में जा रहा है, और कभी भी बच्चों को अंदर घुटन में ना रखें और बच्चों को बाहर निकालें, और उनका डेली खाना पीना किस तरह से, उनको स्टडी की लाइन में भी रखें, और उनका जो अलग से उनका ड्रीम है उसको भी पूरा करें। मैं यही सब ऑल पेरेंट्स को एक मैसेज। एक्स्ट्रा बूस्ट इसी तरह है कि बच्चा किस तरह से क्या करना चाहता है, जैसे ये बोलती है कि मैंने सॉन्ग लगा दो, मैं टीवी में सॉन्ग लगा देती हूँ, ये खुद ही करती रहती है एक्शन, एक्शन के सॉन्ग की लाइन के अकॉर्डिंग ये अपने एक्शन खुद ही करती रहती है, ये इसका नेचुरली इसका बर्थ है, ये अब से नहीं कर रही है, ये जब 2 इयर्स की थी ये तब से ही करती आ रही है। ये कुछ आप लोगों को कहना चाहिए, मैं शादी पार्टियों में जाना, कहीं जाना, वहाँ इसने डांस करना, आप सब लोग लकी है, गॉड ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। यस, आप सभी लोग कहना चाहिए बहुत लकी हो, और बहुत सर आप बताइए कुछ बच्चे के लिए कैसे करते हैं। बस ये है कि जो चीज़ें मांगती है उसको मिल जाती है, और मेन इसका डांस पे ज़्यादातर ध्यान रहता है, बस स्टडी भी करती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन डांस भी अच्छा करती है। आप मतलब कैसे कुछ सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा बताइए। जैसे कोई चीज़ मांगती है, जो मांगती है उसको मिल जाती है, उसे जो चीज़ मांगती है वही सर इसके पापा ला कर देते हैं। और जैसे अब आगे ये भी कॉम्पिटिशन हुआ है, आगे जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे आपको उसमें टाइम निकाल के जाना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। देखिए मैंने अभी जो कॉम्पिटिशन किया है, दिस इज नॉट द थिंग कि मैंने कमीशन कर दिया बस खत्म, उनको मैंने एक मोमेंटम दिया है, उनको मैंने रफ्तार दी है, सबको एक हाईवे पर रफ्तार दी है कि बढ़ते जाओ बस। और वही मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपने बच्चे को जैसे अच्छा कर रहे हैं, मुझे पता है कि बाकी सारे कम्पटिशन हैं उसमें आपको टाइम निकाल के, क्योंकि आपका बच्चा बहुत आगे जाने वाला है ये तो मुझे दिख रहा है और सभी लोगों ने देखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे पता ही है आप बहुत सीरियस पेरेंट्स हैं, बहुत अपने केयर करते हैं बच्चे की, और बहुत अच्छी बात है।
नाउ द थिंग इज दैट कि बेसिकली मैंने देखा है कि आज मैं कई लोगों से मिलता हूँ, 40 से 50 साल में लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो मैं कई लोगों से बातचीत होती है तो लोग अपने अपने विजन देते हैं, बहुत सारे बताते हैं कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये है वो है, मगर मैंने ये देखा कि वो लोग जब बताते हैं कि मेरी बचपन में इस चीज़ में रुचि थी, बचपन में जिस चीज़ में रुचि थी आगे जाके वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी रुचि वाला काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट उनका बचपन में था आज वो जो काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट वाला काम नहीं है, थिंग इज दैट वो केवल पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या रहा था कि बचपन में उनका एक पैशन था, उनका जुनून था, उनका एक रुचि थी जिस चीज़ में, मगर जब वो बड़े हुए, जब वो 18-19 साल के हुए, 20 साल के हुए, और उन्होंने जब फादर के पास जाके बोला, मदर के पास जाके बोला कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करा दो, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है कोर्स में, मुझे कोर्स करा दो, मुझे डिप्लोमा करा दो, और पेरेंट्स ने बोल दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी। तो ऐसे में अगर मान लो वो केयरफुल पेरेंट्स हैं तो वो कैसे केयरफुल पेरेंट्स साबित हो सकते हैं जब उन्होंने बच्चे के लिए पैसे के लिए जोड़ा ही नहीं, जो आया सबको ख़त्म कर दिया और मान लो कुछ सोचा ही नहीं, तो वो कैसे अच्छे सुपर गार्जियन हैं। एक बच्चा होता है, ये बच्ची तो डांस है पढ़ती भी होगी, एक बच्चा रात में जग जग के पढ़ाई करता है, रात में 2 बजे सोता है, 3 बजे सोता है, वो खूब पढ़ता है, दिन रात एक करता है, एंड में जाके जब बाप पिता फादर पे मतलब पे पैसा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, उसका कोई चारा नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वरना ये होगा कि कल को बच्चा बड़ा होगा आप कहोगे कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे पढ़ लो, ये सस्ता है, ये गवर्नमेंट में पढ़ लो, ये छोटा मोटा ये काम कर लो, मतलब बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया, आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को डाल दिया, उससे क्या हुआ बच्चा स्ट्रगल करेगा, बच्चा फिर फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाया, फिर आप कहते हो बच्चे से। और काफ़ी लोगों का एक चीज़ और भी बोलूँगा, काफ़ी लोगों को एक होता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया था, मैं मान लो IAS नहीं कर पाया था, मैं ये इंस्पेक्टर नहीं बन पाया था, मैं पुलिस नहीं बन पाया था, बच्चे को भी बनाऊँ, यार तुमने तो जो किया नहीं किया ठीक है, तुमने कुछ नहीं भाड़ा जो भी करा, बट बच्चा जो करना चाह रहा है प्लीज़ उसे बुक करने दो, उसके पैसन में घुसने दो, उसका जो जुनून है उसमें घुसने दो, और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो सच में आप कैसे पेरेंट्स होंगे, आप हो सकते हैं। पर सर उसके लिए क्या है कि बच्चों को भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ, मैं एक बार मैं आपसे पास ही पूछूंगा सर, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में कि मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, बताया है कि कैसे प्रैक्टिकल रूप से हम लोग के लिए जरूरी है। अगर हम लोग बच्चे के लिए ड्रीम देख रहे हैं, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं होगी, बच्चे के लिए कुछ पैसा ही नहीं जोड़ा है, तो वो क्या फ़ायदा फिर। तो हम तो लोग हैं कि केवल सोचते हैं, बच्चे को हम कर रहे हैं, बट हम लोग केवल एक पेरेंट्स हैं, यानी कि अच्छे गार्डियंस नहीं है। गार्डियंस का काम ही होता है कि बच्चे के लिए उसकी फाइनेंशियली उसकी समझदारी दिखाना। आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़े कुछ बात कीजिए, मैं मैडम से पूछता हूँ। मैंने वो बस ये है कि इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए, कई प्लान आते हैं जो आगे 10 साल 15 साल बाद मिलते हैं, वो कराने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और बताइए कुछ महत्व बताइए कि और पेरेंट्स को भी आप मोटिवेट कीजिए। मुझे बताया कि आप अपने विनर्स के पेरेंट्स हैं, आपने भी अच्छी प्लानिंग की होगी, आप एक मोबाइल इंश्योरेंस कराए होगी, जैसे भी देखें सबसे सेफ है वही, 15 साल 20 साल का बेनिफिट अच्छा मिलता है। मैं तो कहूँगा इंश्योरेंस क्या अपना जो भी है अपना, बट थिंग इज दैट कि आप पैसे को जोड़ें। अच्छा, किसी के घर के खर्चे कभी फिक्स होते हैं? किसी घर के खर्चे कभी 20,000 होते हैं, मान लो किसी खर्च घर का खर्चा 20,000 है, कभी 22,000 भी होगा, कभी 18,000 भी होगा, और ऐसे में अगर 1,000 रुपये निकाल भी देते हो तो वो आगे जाके जुड़ते जुड़ते कितने रुपए जुड़ जाते हैं। अच्छा, कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में लोगों के बिजनेस डाउन हुए थे, ठीक है, लोगों की सैलरी कम हो गई थी, फिर भी लोगों ने गुजारा कर लिया, कैसे भी किया लोगों ने गुजारा, बट वही हम लोग जब सोचते हैं बच्चे के लिए कुछ पैसा जोड़ें कुछ जोड़ें, बट वो हम लोग बहुत सारे मन में हैं, बहुत सारे चीज़ें ले आते हैं, हम लोग ये जब नहीं समझेंगे।